हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक रस्ट एंड मर्डरर नाम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हैकरैंक में एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की, जिसके 70 मार्क्स टोटल डिसाइडेड है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। डिटेक्टिव रस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग अ होमिसाइड एंड ही वॉन्ट्स टू चेस डाउन द मर्डरर। द मर्डरर नोज ही वुड डेफिनेटली गेट कॉट इफ ही टेक्स द मेन रोड फॉर फ्लीइंग। So he uses the village roads or the side lanes for running away from the crime scene. Rust knows that the murderer will take the village road and he wants to chase him down. इसका मीनिंग सिंपल सा यही है कि जो मर्डरर है वो भी विलेज वाली रोड को फॉलो करेगा या साइड लेन को फॉलो करेगा, और रस्ट को भी पता है कि वो भी जो मर्डरर है वो रोड साइड रोड मेन रोड को ना फॉलो करके विलेज रोड या साइड लेन्स को फॉलो करेगा, तो रस्ट भी उन्हीं को फॉलो करेगा, या फिर जहां जिस रास्ते से मर्डर जा रहा है उसी रास्ते पे उनको फॉलो करेगा। ही इज ऑब्जर्विंग द सिटी मैप बट इट डज नॉट शो द विलेज रोड्स और द साइड लेन्स ऑन इट एंड इट शोज ओनली द मेन रोड्स। इसका मतलब है कि जो मैप गिवन है सिटी का उसमें केवल मेन रोड्स के बारे में जानकारी है, विलेज रोड के बारे में जानकारी नहीं है। द मैप ऑफ द सिटी इज अ ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एन नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n, वेयर द स्पेसिफिक नोड एस रिप्रेजेंट्स द करेंट पोजिशन ऑफ द रस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द नोड्स डिनोट अदर प्लेसेस इन द सिटी। सो यहाँ पे n टोटल नोड्स हैं, इसका मतलब n डिफरेंट स्टेशन हैं जिनके नंबर्स 1 से n तक वेरी करते हैं, और s यहाँ पे सोर्स स्टेशन बताता है जो कि रस्ट का सोर्स स्टेशन है। रस्ट को इसको आगे पढ़ लेते हैं। एंड एन एच बिटवीन टू नोड्स इज अ मेन रोड बिटवीन द टू प्लेसेस इन द सिटी। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी है उसमें एजेस के बारे में हमें जानकारी है जो कि मेन रोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी सुटेबली एज्यूम दैट एच दैट डज नॉट एग्जिस्ट इज नॉट शोन ऑन द मैप इज अ विलेज रोड इन साइड लेन। दैट मीन्स देर इज अ विलेज रोड बिटवीन टू नोड्स ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ There is no city road between them. So it is obvious है कि अगर किसी दो नोड्स के बीच में सिटी रोड नहीं है तो उसके बीच में विलेज रोड होगी। इन दिस प्रॉब्लम द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ विलेज रोड साइड लेन्स बिटवीन टू प्लेसेस इन द सिटी। इसका मतलब है कि अगर दो सिटी के बीच में तीन रोड्स हैं विलेज वाली तो तीन उसकी डिस्टेंस होगी सोर्स से। इसका मीनिंग सिंपल सा यही है कि हर एज की जो कॉस्ट है वो 1 अज्यूम की गई है। Rust wants to calculate the shortest distance from his position node S to all other places in the city if he travels using only the village roads. So, अगर आप इसको ध्यान से सोचें कि हमारे पास एक ग्राफ, अगर हम किसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ फाइंड कर सकें तो जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हमारा होगा वही हमारा बताएगा कि विलेज की रोड्स कौन कौन सी हैं। अकॉर्डिंग टू द विलेज रोड्स आप अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकें फ्रॉम द सोर्स तो वही आपका आंसर होगा। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपको पता है कि आप बीएफएस से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से टेस्ट केसेस गिवन है और उन्हीं टेस्ट केसेस के पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो सैंपल इनपुट उसमें बताया गया है कि दो टेस्ट केसेस हैं। पहला टेस्ट केस उसमें 4 वर्टिसेस और 3 एजेस हैं। पहली एज है 1 2 2 3 एंड 1 4 एंड उसके बाद दूसरा जो टेस्ट इसमें जो सोर्स स्टेशन है वो 1 है। तो हमारे पास दो टेस्ट केसेस हैं। हम पहले टेस्ट केस के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं पहले वाले टेस्ट केस के लिए। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो हैं 1 2 3 एंड 4, और 1 2 एक एज है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं सो हमारे पास 1 2 एक एज है, इसी तरह से 2 3 एक एज है, एंड इसी तरीके से 1 4 भी एज है। ग्राफ को देखते हुए या ये एजेस के सारे आप एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं। 1 से कनेक्टेड 2 है और 2 से भी कनेक्टेड 1 होगा क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ हम अज्यूम कर रहे हैं। 2 से कनेक्टेड 3 है सो 3 से कनेक्टेड भी 2 होगा। फिर 1 से कनेक्टेड 4 है इसलिए 4 से कनेक्टेड भी 1 होगा, और इस तरह से हमने इसका एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर कर लिया। नाउ इस एडजेसेंसी लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद हमें विलेज वाले रोड्स का एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। विलेज वाले रोड्स का एडजेसेंसी लिस्ट में भी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो यही होंगे, वर्टिसेस में कोई चेंज नहीं है।
जो चेंज है हमारे पास वो एजेस में चेंजेस हैं, तो हम एजेस कैसे कनेक्ट करेंगे? वन से ऑलरेडी टू थ्री कनेक्टेड है, टू फोर कनेक्टेड है, सो जो नहीं कनेक्टेड है वो थ्री है, सो हम थ्री को यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली टू से वन थ्री कनेक्टेड है, जो नहीं कनेक्टेड है वो फोर है, हम फोर को यहाँ लिख लेते हैं। जो थ्री नंबर वर्टेक्स है उससे टू कनेक्टेड है, इसका मीनिंग ये है कि वन फोर इससे कनेक्टेड नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। वर्टेक्स नंबर फोर से वन कनेक्टेड है और इससे टू थ्री कनेक्टेड नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक स्टेटस एरे ले लेते हैं या डिस्टेंस एरे ले लेते हैं। इसकी साइज हम 5 डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें 4 इंडेक्स चाहिए। 0 इंडेक्स हमारे लिए किसी काम का नहीं है, 1 इंडेक्स ऑनवर्ड से हमें एक्टिविटी करनी है। हम मान लेते हैं कि इन सभी पोजीशंस पे -1 है, इसका मतलब इन वर्टिसेस को या इन सिटी को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यहाँ पे सोर्स 1 गिवन है, इसलिए हम क्या करते हैं, सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस को 0 सेट कर देते हैं, मतलब कि ये जो डिस्टेंस वेक्टर है इस डिस्टेंस वेक्टर में या स्टेटस वेक्टर में 1 इंडेक्स पे 0 सेट कर देते हैं। इसके बाद एक क्यू ले लेते हैं और वर्टेक्स नंबर 1 को क्यू में डाल देते हैं। फिर 1 से कनेक्शन हम एक्सप्लोर करेंगे, क्यू से इसको डिलीट करने के बाद 1 से कनेक्शन है 3 जो कि पहले से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए इसकी डिस्टेंस 1 नंबर वर्टेक्स से एक ज्यादा सेट कर देते हैं, मतलब 1, 0+1। 3 को क्यू में इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि नई पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन है। फिर 3 को हम डिलीट करते हैं, 3 से कनेक्शन 1 और 4 है, 1 ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, 0 है इसका स्टेटस, 4 एक्सप्लोर नहीं हुआ है इसलिए हम 4 को एक्सप्लोर करते हैं, और 4 की जो डिस्टेंस है वो 3 से एक ज्यादा मतलब 2 सेट कर देते हैं, और 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम 4 को डिलीट करते हैं और 4 से कनेक्शन देखते हैं 2 और 3 है, 2 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, 2 को एक्सप्लोर करते हैं, 2 की डिस्टेंस हो जाएगी 3 से एक ज्यादा मतलब कि 3 हो गई यहाँ पे, और हम 2 नंबर वर्टेक्स को क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। 4 से नेक्स्ट कनेक्शन 3 है लेकिन 3 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है इसलिए हम दोबारा इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। 2 को डिलीट करते हैं, 2 से एक कनेक्शन है 4, 4 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है इसलिए हम अब अपने प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। जो आंसर हम रिटर्न करेंगे, आंसर रिटर्न करेंगे एक नया वेक्टर बनाएंगे और इसमें सोर्स के अलावा बाकी वर्टिसेस के डिस्टेंस को लिख देंगे। तो पहला वर्टेक्स मेरा 2 है, उसकी डिस्टेंस 3 है, जो दूसरा वर्टेक्स है वो 3 है, उसकी डिस्टेंस 1 है, और नेक्स्ट वर्टेक्स हमारा 4 है जिसके डिस्टेंस 2 है, और यही आंसर मेरा हम रिटर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर 312 आया है, वही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग है इस क्वेश्चन को हमने लगभग तो सॉल्व कर लिया है, इसका हम प्रोसेस समझ गए हैं, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आपको ध्यान से देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनल ग्राफ है, अगर मान लें कि ये एडजेसेंसी लिस्ट है और ये न्यू एडजेसेंसी लिस्ट है, तो हम न्यू एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट से। इसका मीनिंग क्या है कि हम गिवन ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्रिएट कैसे होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने जो लॉजिक लगाया इसमें कॉम्प्लीमेंट ग्राफ को क्रिएट करने के लिए, कि मैंने एक नंबर ऑफ वर्टिसेस साइज का या उससे एक ज्यादा साइज का मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसको मैंने DAT कह दिया, डायरेक्ट एड्रेस टेबल हो गया। और डायरेक्ट एड्रेस टेबल में मान लीजिए कि हम 1 से कनेक्शंस देख रहे हैं, तो इन डायरेक्ट एड्रेस टेबल में हर एक इंडेक्स पे 0 है। इसके बाद 1 से जब हमने कनेक्शन देखा तो 1 से कनेक्शन है 2 तो हमने इसको 1 कर दिया, 1 से कनेक्शन 4 है तो हमने इसको भी 1 कर दिया। अब इस वाले एरे में जिन पोजीशंस पे 0 है एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये 0 इंडेक्स वाला मेरे लिए काम का नहीं है, और साथ ही साथ सेल्फ लूप भी नहीं बनेगा इसलिए 1 से 1 कनेक्शन हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए ये वाला भी हम हटा देते हैं। बाकी जितनी पोजीशन पे 0 है वही मेरा कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में कनेक्शन होगा, सो 1 से कनेक्टेड हो गया मेरा 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम देखें, DAT को रीइनिशियलाइज कर लेते हैं और इसमें 0 से लेके 4 तक सारी एंट्रीज 0, 0 मेरे किसी काम का नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इसके बाद 2 से कनेक्शन है 1, हमने इसको 1 कर दिया, 2 से कनेक्शन है 3 ओरिजिनल ग्राफ में, मैंने इसको 1 कर दिया। जहां जहां जीरोज हैं वो मेरे टारगेट वैल्यू हैं एक्सेप्ट दी सेल्फ लूप, तो 2 से 2 सेल्फ लूप नहीं होगा, तो अब कनेक्शन इससे 4 केवल बचा। आप देख सकते हैं कि 2 से कनेक्शन मैंने 4 ऐड कर दिया। सिमिलरली आप 3 के लिए और 4 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होगा।
तो अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्रिएट कर लिया तो बीएफएस को कर पाना बहुत ही आसान है। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। मैं अपने सबमिशन से आपको दिखा रहा हूँ, और जो पहले हम डिफिकल्टी वाला सबमिशन दिखा लेते हैं, देन उसके बाद उसमें मैंने क्या चेंज किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्रिएट करना था। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्वांटिटी है, और उसके बाद फिर मैंने अपनी तरफ से इसमें क्या ऐड किया। सो यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे एन इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ स्टेशंस। रोड्स वाला जो वेक्टर ऑफ वेक्टर है वो हमें एजेस बता रहा है। इस वेक्टर ऑफ वेक्टर का ये मीनिंग है कि हमारे पास एक इस तरह का, सो हमारे पास एक इस तरह का एक 2D एरे गिवन है, और इस 2D एरे में एजेस की एंट्री है। तो 0 इंडेक्स पे पहला एंड पॉइंट होगा एज का, और 1 इंडेक्स पे दूसरा एंड पॉइंट होगा। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर रूट्स में, अगर हम ये कहें कि ये रूट्स नाम का 2D एरे है, तो 0 इंडेक्स पे पहली एज का की एंट्री होगी, 1 नंबर रो में दूसरे एज की, 2 नंबर रो में तीसरे की, और 3 नंबर रो में चौथे की। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इससे एक्सट्रैक्शन करेंगे एजेस का और एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। ये जो एस है वो डिनोट कर रहा है मेरा सोर्स स्टेशन। तो जो सोर्स स्टेशन है वहीं से हम अपना टूर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार कोड को फिर से समझते हैं। हमने क्या किया कि कोड में हमने एक एडजेसेंसी लिस्ट लिया एन प्लस वन साइज का। एन प्लस वन साइज इसलिए क्योंकि मुझे nth इंडेक्स भी चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट में। फिर इसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ रोड्स एम है। अगर हम रोड्स नाम के 2D एरे का साइज पता कर लें वेक्टर का, तो हमें पता चल जाएगा कितनी एजेस हैं। जितनी भी एजेस हैं उनकी वन बाय वन हम एंट्री कराते हैं। एंट्री मतलब कि हमने पहले 0 इंडेक्स पे ए मिल जाएगा, 1 इंडेक्स पे या 1 नंबर कॉलम पे मुझे बी मिलेगा। ए भी एज है मेरी, ए में पुश बैक कराते हैं बी को, और बी में पुश बैक कराते हैं ए को। ऐसा हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारी ये अनडायरेक्टेड एज है, और आपको पता है कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया है कि हम एजेस को किस तरह से एंटर कराते हैं और कैसे हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद मुझे नई एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है जो कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का होगा। इसकी भी साइज वही होगी जो कि ओरिजिनल ग्राफ की होगी, या ओरिजिनल ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट की होगी। इसके बाद हर वर्टेक्स का जो कनेक्शन मेरा है उसके लिए मैंने एक इंक्लूजन्स नाम का एक वेक्टर ले लिया है। यही हमारा DAT जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं DAT, अदरवाइज आप इसको ये रहने दीजिए। लेट्स चेंज द नेम टू DAT। तो जैसे हमने प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि DAT लेना है एन प्लस वन साइज का, और सभी को वैल्यूज को 0, और हम हर एक वर्टेक्स से कनेक्शन न्यू कनेक्शंस को दिखाने के लिए नया DAT लेंगे। इसके बाद हमने एडजेसेंसी लिस्ट, ओरिजिनल एडजेसेंसी लिस्ट के जितनी भी साइज है वहां तक लूप चला के जितनी जितने भी कनेक्शंस हैं आई से, उन पोजीशंस में DAT में 0 की जगह हमने 1 कर दिया। फाइन, अगर आप ऐसे भी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इस एडजेसेंसी लिस्ट को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद आपने देखा कि अगर DAT की पोजीशन पे के पोजीशन पे के रह गया है, तो इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की एज को शो करता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं ये सेल्फ लूप तो नहीं है। तो अगर करंट इंडेक्स पे DAT के, करंट इंडेक्स जो DAT का है दैट इज सेम एज जिससे हम कनेक्शन देख रहे हैं, तो दैट विल बी सेल्फ लूप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि नई एडजेसेंसी लिस्ट में पुश बैक कर लेंगे के को। तो हम चूंकि कनेक्शन आई से दिखा रहे हैं, इसलिए एडजेसेंसी न्यू आई में हम पुश कराएंगे ये जो केथ वर्टेक्स है वो एच की तरह से ट्रीट होगा आई से के बीच में। तो इसी तरह से हर वर्टेक्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बना लेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम एक विजिटेड एरे ले लेते हैं जो कि एन प्लस वन साइज का होगा, एंड देन इसके बाद जो सोर्स वर्टेक्स है हमने उसको क्यू में पुश कर लिया। फिर विजिटेड ऑफ एस को 0 सेट कर लिया क्योंकि 0 से 0 की डिस्टेंस, 0 से सोर्स की डिस्टेंस, सॉरी सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस 0 होगी। जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम अपने प्रोसेस को करते हैं, और प्रोसेस को करते समय हम क्यू से एक वर्टेक्स को डिलीट कर लेते हैं।
जिस भी वर्टेक्स को हम डिलीट करेंगे, ये टू स्टेप प्रोसेस होगा वेक्टर के थ्रू, अगर हम कर सॉरी अगर इसको हम सी प्लस प्लस एस टी एल के थ्रू कर रहे हैं तो। सबसे पहले हमने फ्रंट वर्टेक्स को इंक्लूड कर लिया, या फ्रंट फ्रंट वर्टेक्स को एक्स वेरिएबल में ले लिया, एंड देन हमने इसको डिलीट कर दिया। नाउ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो वर्टेक्स डिलीट हुआ है उसके सारे कनेक्शंस को देखते हैं। अगर वो पहले से विजिट नहीं हुआ है, इसका मतलब कि उसके विजिटर स्टेटस -1 है, तो हम उसको विजिट करते हैं। कैसे विजिट करेंगे, उसका जो विजिट करने के लिए उसको इंक्लूड करेंगे क्यू में, और उसकी डिस्टेंस सेट कर देंगे, चूंकि आई एक्स से कनेक्टेड है तो एक्स से एक डिस्टेंस ज्यादा। जब ये प्रोसेस फिनिश होगा क्यू को एम्प्टी करने के बाद, तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ चुकी है, बस उसको एक नए एरे में स्टोर करना है, नए नए वेक्टर में स्टोर करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि रिजल्ट नाम का एक वेक्टर लिया, और 1 से लेके n तक हमने लूप चलाया, और अगर विजिटेड वर्टेक्स जीरो नहीं, विजिटेड वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं, जीरो का मतलब है कि सोर्स को बता रहा है, अगर जीरो नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने आंसर में, तो जो रिजल्ट है उसमें हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो जब हम इसको सबमिट करेंगे तो आप अभी देखिएगा कि अभी कुछ टेस्ट केसेस हमारे पास नहीं होंगे। सो सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। जब हमने इसको सबमिट किया तो आप देख सकते हैं कि 3 टेस्ट केसेस हमारे पास नहीं हुए। अबाउट अबाउट कॉल आया। सो अबाउट कॉल्ड ये बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कंप्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उस कंप्यूटेशंस के कारण जो है ये क्लोज हो जा रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे ग्राफ का जो कि स्पार्स ग्राफ है, लेट से एक हम एग्जाम्पल से समझे कि मान लेते कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि 1000 वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 1000 है, और हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो या तो 2 है या 1 है। इसका सिंपल से मीनिंग है कि ये ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ होगा तो इसका मीनिंग है कि एक वर्टेक्स से मैक्सिमम दो बार कनेक्शन होगा, और बाकी 998 टाइम्स उससे कनेक्शन नहीं होगा। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाएंगे तो 998 कनेक्शंस दिखाए जाएंगे और 2 कनेक्शन नहीं दिखाए जाएंगे, तो 997 इसको होगा क्योंकि सेल्फ लूप नहीं दिखाया जाएगा। सो 997 कनेक्शंस दिखाए जाएंगे और 2 कनेक्शन नहीं दिखाए जाएंगे। और अगर आप ऐसा ही पूरे ग्राफ के लिए करेंगे तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी वो बल्कि बनेगी। और आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक क्यू मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इसका मीनिंग ये है कि भाई 997 अगर वर्टिसेस हैं और पहले ही कनेक्शन से हमने 997 वर्टिसेस की डिस्टेंस को सेट कर दिया है, तो उसके बाद केवल 3 वर्टिसेस बचे, उसकी डिस्टेंस हो सकता है कि दूसरे या तीसरे क्यू से डिलीशन के केस में चल जाए। आप अपना जो ऑपरेशन चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाएंगे, इसका मतलब क्या है कि 999 टाइम्स आपका लूप चलेगा। सो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपका लूप 999 टाइम्स अननेसेसरी चल रहा है जबकि आपको आंसर सेकंड या थर्ड स्टेप में ही मिल जा रहा है। तो अबाउट कॉल्ड इसीलिए आ रहा है, स्पार्स ग्राफ के लिए जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो ये बहुत ही बल्कि एक्टिविटी होगी और हमें कोशिश करना चाहिए कि ये अवॉइड हो। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना हम ग्राफ का जो या जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है उसके कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी और बीएफएस वाला जो प्रोसेस है उसको साइमल्टेनियसली चलाएं, और जैसे ही नंबर ऑफ वर्टिसेस एन हो जाएं जिनका हमने डिस्टेंस सेट कर लिया है वहीं पे हम स्टॉप कर दें। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है जो स्पार्स ग्राफ है और उसमें हर एक वर्टेक्स से मैक्सिमम 2 कनेक्शन है, तो अगर मैक्सिमम 2 कनेक्शन है तो 998 कनेक्शन नहीं होंगे। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाएंगे तो 998 कनेक्शन होने चाहिए, हालांकि हम सेल्फ लूप को अवॉइड करेंगे तो 997 कनेक्शन होगा। तो पहला वर्टेक्स या सोर्स वर्टेक्स से 997 कनेक्शन, ऐसा हम मान लेते हैं।
तो उन 997 कनेक्शंस की डिस्टेंस स्टेप नंबर वन में ही सेट हो जाएगी, लेकिन बचे हुए तीन वर्टिसेस की डिस्टेंस हो सकता है कि नेक्स्ट डिलीशन में सेट हो जाए या नेक्स्ट आइटरेशन में सेट हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि हम क्यू के एम्प्टी होने तक का वेट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर वर्टेक्स जब डिलीट हो जाएगा तभी हम अपने प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। सो सेकेंड या थर्ड स्टेप में हमें आंसर मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम 999 आइट्रेशन या 1000 आइट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कनेक्शंस देख रहे हैं सभी के, जो कि बहुत बल्कि ऑपरेशन होगा और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ही एन वर्टिसेस की डिस्टेंसेस सेट हो जाएं, वैसे आप स्टॉप कर दें, क्योंकि आगे की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ये भी सोल्यूशन हम। तो जो कोड मैंने लिखा था उसी कोड में स्लाइड सा करेक्शन कर दिया है, और आप देखिए कि हम कंस्ट्रक्शन जो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का और बीएफएस दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। तो इसके लिए ये जो पार्ट है, पहला पार्ट हम यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ की एडसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जो विजिटेड वर्टिसेस का काउंट है, क्यू ले रहे हैं, और क्यू में सोर्स वर्टेक्स को इंसर्ट कर दे रहे हैं, सोर्स वर्टेक्स के डिस्टेंस को जीरो कर दे रहे हैं। तो सोर्स वर्टेक्स चूंकि विजिट हो चुका है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि विजिटेड वर्टिसेस का जो काउंट है वो वन हो गया है। इसके बाद न्यू एडजेसेंसी लिस्ट हम फॉर्म कर रहे हैं। न्यू एडजेसेंसी लिस्ट हम उसी वर्टेक्स के लिए फॉर्म करेंगे पहले जो कि क्यू से डिलीट होगा। सो जब तक विजिटेड वर्टिसेस का काउंट एन ना हो जाए, तब तक हम अपने प्रोसेस को करने जा रहे हैं। क्यू से हमने एक वर्टेक्स को डिलीट किया है, वो एक्स है, और एक्स में एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट ग्राफ या कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट। तो चूंकि हम डीएटी के थ्रू कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम नाम डीएटी ही लिख लेते हैं इसका, इंक्लूजन वाले वेक्टर का। नाउ हमने डीएटी के कोरिस्पॉन्डिंग, जैसे हमने पहले किया था, डीएटी का यूज करके हमने कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है। अब इसके बाद इसके एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी कनेक्शंस हैं उन वर्टेक्स का विजिटेड स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। अगर वो अनविजिटेड है तो हम उसको विजिट करते हैं, उसकी डिस्टेंस करंट वर्टेक्स एक्स से एक ज्यादा सेट कर देते हैं और इस वर्टेक्स को क्यू में इंक्लूड कर देते हैं। साथ ही साथ विजिटेड वर्टेक्स का काउंट एक इंक्रीज कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान अगर विजिटेड वर्टेक्स का काउंट एन हो गया है तो हम अपने प्रोसेस को ब्रेक कर देते हैं, हम लूप से बाहर आ जाते हैं। फाइन। सो जो मेरा एक्सटर्नल लूप है वो ये कह रहा है कि विजिटेड काउंट जब तक एन ना हो जाए तब तक चलाते रहो। ये जो इनर लूप है फॉर वाला, ये वाला जो फॉर लूप है, हम इससे ब्रेक करेंगे तो आउटर लूप में जाएंगे, और आउटर लूप फिर से ये चेक करेगा कि क्या विजिटेड वर्टेक्स का काउंट एन हो गया है कि नहीं। अगर काउंट एन हो गया है तो ये फर्दर लूप नहीं चलेगा और हम अपने प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे। इसके बाद रिजल्ट की बारी है, तो रिजल्ट एक वेक्टर ले लीजिए, और रिजल्ट वेक्टर में जिन भी वर्टेक्स का डिस्टेंस जीरो नहीं है, इसका मतलब वो सोर्स नहीं है, उसको पुश बैक कर लीजिए और इसी रिजल्ट को रिटर्न कर दीजिए। सो आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सो ये रस्ट एंड मर्डर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हैकरैंक प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा ये, और आप अपने सिस्टम पे भी इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।